हेलो। हाँ, हाँ जी मुश्ताक कौन? मुश्ताक अंसारी साहब बोल रहे? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो फ़ोन मत काटना। आपने वीडियो बनाई है और मेरे से जो गुफ्तगू हुई थी उसका जो आपने बकवास किया है इस पर गुफ्तगू करनी है, ठीक है? सबसे हाँ पहली जी ठीक है। जाओ बाबू जी, क्या अरे फ़ोन वाली गुफ्तगू, फ़ोन कॉलिंग गुफ्तगू आपने किया है तो फिर यूट्यूब में क्यों भाग क्यों रहे हो? मुश्ताक रजा साहब, इतनी हिम्मत तो पैदा करो ना। आपने जो मैंने जो हवाला पेश किया था किसका, तफसीर नईमी का, काट के भाग गया, कि काट के मुनाजरा भाग में गया, काट के भाग गया, भाग गया भाग ना। गया, काट के भाग गया। ये है इनके औकात, देखो। ये इनके पास चार भाग बाई चार रूम के अंदर, हुजरे के अंदर घुस करके और छुप करके इस तरह जो वीडियो बनाते हैं, इनके औकात यही है कि सामने गुफ्तगू करने की हिम्मत नहीं है। और बोल रहा है अली असगर को जवाब दूंगा, अली असगर को जवाब देगा। अरे इसकी इसकी बोल रहा है कि न हो सर्फ की इसको इल्म नहीं है, मुझे बोल रहा है। और अरबी इबारत पेश करके वो पढ़ेगा, मुझे तर्जुमा मैं करूँगा, मैं तैयार हूँ इसके ऊपर, ठीक है? अगर उसके अंदर तो वो बात उस छोड़ कर अगर इस रजा खानी के अंदर ये हलाली अगर है, अगर ये मुश्ताक रजा हलाली है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अरबी इबारत तुझे मैं पेश करूँगा, तू तर्जुमा कर दे, फिर तू मुझे पेश करेगा और उसको पढ़ देगा, मैं तर्जुमा कर दूँगा। अरबी इबारत मैं भेजूँगा, मैं पढ़ूँगा अरबी में, तर्जुमा वो करेगा, ठीक है? और फिर वो इबारत भेजेगा, अरबी इबारत पढ़ेगा और तर्जुमा मैं करूँगा। अगर वो मुश्ताक अंसारी हलाली हरामी नहीं है, अगर कुत्तिया से जना नहीं है, तो मैं अली अगर चैलेंज कर रहा हूँ वो आ जाए मुझसे फ़ोन में बात कर ले। ये बहानाबाजी करके भागता है मरदूद, बोलता है कि जो है यूट्यूब चैनल में बात करेंगे, लेकिन इसको हिम्मत नहीं है कि हम जिस चैनल का नाम पेश करें उस पर आके बात करें। मतलब इसे बात करना ही नहीं है, बस भोंकना ही है, इनका काम एतराज़ है। अगर इनको इनके अंदर ये सिफत थी कि भाई चलो आपस में इफ़ाम तफ़ीम करके दलाइल से जो एतराज़ात उसको जो है दिफा किया जाए, अगर ये उसके अंदर ये होती तो फिर बात करता, लेकिन इसको जो है एतराज़ को कायम रखना है। और जो है इनके अंदर जो जहर जहर फैलाया गया है रजा खानी दिमाग और सोच के अंदर, उसको बाकी रखना है, उसको दूर नहीं करना है, इसलिए भाग रहे हैं। देखो किस तरह, जैसा इनका पीर है हजरत, जैसे इनके मुरीद है, जैसे इनके पीर ने कतब मुरीद करी है, इसलिए मैदान देखो ऐसी इन लोगों का कतब। इंटरव्यू ले रहा हूँ, किस तरह भाग रहा है। सगीर जोखनपुरी भागा, जहालुत चंद्रपुर भागा, और ये भी भागा। देखो भागते रहेंगे, इनकी इनकी इनके जो है तकदीर में ही लिख दी गई है कि देवबंदियों के हाथों जूते खा के मार खा के दलाइल के ज़रिए से भागते फिरे। और जिस तरह शैतान को अल्लाह तबारक अपने दर से भगा दिया, दूर दूर कर दिया, क़यामत तक ये रजा खानी फ़िरका जो है दूर दूर होते रहेंगे इंशाल्लाह हमारे हाथों से। कौन बोल रहे हैं? अली असगर बोल रहा हूँ, फ़ोन मत काटना है, फ़ोन मत काटना। भागता है सबके क्या बात बात करता है, सबसे शरायत तय करके मेरे से भागता है नाम सुन के। फ़ोन मत काटना, सबसे बात करता है शरायत तय करके, दो दो मिनट बात करेंगे, बोलता है बीच में कोई मत किया? बोलना। हेलो, भाग गया। मेरा नाम सुन के इतना घबराता है मरदूद कि इसके ये जो हक देता है, मुद देता है अपने इसमें लुंगी पे, ये मरदूद ये कौन था हजरत? जहालुती, ये बड़ा हरामखोर है, बड़ा हरामी है ये। कहाँ का है? ये इसके खून में जो है इसके मुजद्दिद की नापाक खून जो है बिल्कुल मुकम्मल मिला हुआ है। ये इसकी नस्ल का पता नहीं, ये हराम को शादी नहीं किया है, ये इतना काला कलोटा मर्दूद है जो कोई इसको छूने तैयार नहीं, देखने तैयार नहीं। बड़ा हराम आपने ये, तो मार सबसे दिया फ़ोन को बात करता है, आपने हराम खोर चैनल चलाता ये है। कुछ था ये जो था हजरत, आपका नाम सुनते रोगे, बड़ा अरे बड़ा खौफ भी डालना था हजरत आपने। बहुत डरता है मर्दूद, बहुत डरता है। दोबारा लगाओ, दोबारा लगाओ, लगाओ दोबारा। लगाता हूँ दोबारा। हेलो हेलो बोल जी, अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी साहब बोल रहे? रहा हूँ, मैं लेटा हूँ सोने के डर के, बताइए। जी तबीयत ख़राब है क्या? नींद नहीं पाई है, सो रहा हूँ। और कब बात कौन करूँ बोल हजरत? रहे हैं? हजरत वो ये हुसामुल हरमैन में जो लिखा है कि रशीद अहमद अरे गंगोई भाई ने, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, सो रहा हूँ। अच्छा कब उठेंगे हजरत, कब उठेंगे? देखो भागा, ये भी भागा। देखो हुसामुल हरमैन में
इसका मुजद्दिद झूठ बोल गया है। देखें इतना बड़ा झूठ बोल गया, हुसामुल हरमैन का नाम लिया हूँ उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी हुसामुल हरमैन सगीर अहमद जोखनपुरी जो अपने आप को मुनाजिर कहलाता है वो भी इस पर बात करने से कतरा रहा है। हुसामुल हरमैन से इतनी नफ़रत सगीर अहमद जोखनपुरी को।